आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर। आशुतोष सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, प्रमोशन किसी भी चीज का, या आप किसी फिल्म का प्रचार कर रहे हो या अपने किरदार के बारे में बताएं, ये कितना थकाने वाला होता है एक ही चीज को मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग तरीके से बताना? देखिए, ये थकाने वाला तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन ये परम आवश्यक भी है आज की तारीख में, क्योंकि आपको ये नहीं पता, आपको ये लगता है कि आपने एक आदमी से बोल दिया तो वो सबसे बोल दिया। ये बिल्कुल वैसी ही मानसिकता होती है कि जैसे अगर हमने अपनी ब्लिंकर्स एक लगा लिए तो हमको लगता है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ दो आँखों से दुनिया देखते हैं और दुनिया करोड़ों करोड़ आँखों से हमको देख रही होती है। तो फिर वो परम आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक कान के तक पहुँचाने के लिए आपको अपनी बात कभी कभी उसकी पुनरावृत्ति भी करनी पड़ती है, तो करनी चाहिए। तो इसमें थकान तो होती है, लेकिन ये वैसी ही थकान है कि जैसे जब आप जिम में जाते हैं तो आपको एक ही वेट के आपको पता लगा कि 15 रिपीटेशन मारने और ऐसे 3 सेट मारने हैं, तो लेकिन वो बनेगी तभी बॉडी जब आप उसमें रिपीटेशन करेंगे और आप निरंतर पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शरीर की आय हो रही है। तो थकाने वाला तो होता है, लेकिन ये परम आवश्यक है। इसीलिए हमारे देश में ये कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास, इसको हम अभ्यास की श्रेणी में लेते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा जो मैं पूछने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि उस सवाल को आप बहुत पॉजिटिव नोट पे लें। जिस तरह का सिनेमा अब आप कर रहे हैं, यू नो, टू स्टेट से लेकर अब तक, और सोन चिड़िया, छत्रसाल में औरंगजेब, प्लीज़ आई वॉन्ट टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। क्या आप मानते हैं कि एक 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 नई शुरुआत की है और इसी वक्त का इंतज़ार था? देखिए, आप अगर नहीं भी कहते हमसे कि इसको पॉजिटिव नोट पे लीजिए, तो मैं ज़िंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हर चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि मेरी ये प्रवृत्ति है। मैं सकार और नकार की जो संयुक्त शक्ति होती है उसमें विश्वास रखता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस ये दो वायर मिलकर ही कहीं ना कहीं आपको प्रकाशित करते हैं। अकेले प्लस वायर से या अकेले माइनस वायर से आप रोशनी नहीं पा सकते हैं। तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से लेता हूँ, और इसको मैं नई शुरुआत के तौर पर नहीं लेता, मैं इसको ये मानता हूँ कि एक जो शुरुआत है वो निरंतर जारी थी, इसको मैं धैर्य और प्रतीक्षा का परिणाम मानता हूँ। कि अगर आपके जीवन में आप कोई एक स्वर्ग चाहते हैं तो उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका जीवन ताश की गड्डी के जैसा होता है। 52 पत्ते हर गड्डी में होते हैं, तो हर गड्डी में 4 इक्के भी होते हैं, 4 दुक्की भी होते हैं, 4 तिग्गियाँ भी होती हैं, 4 बादशाह भी होते हैं। अगर किसी गड्डी में 51 पत्ते हों तो उसे गड्डी नहीं कहा जाता है। तो ऐसे ही गड्डी में ये हमको और आपको नहीं पता होता कि हमारे 4 इक्के कहाँ हैं। कभी कभी हमारे 2 इक्के भड़बड़ निकलते हैं पहले ही पत्तों में, और कभी कभी 30-30 पत्तों तक हमारा इक्का नहीं निकलता। तो उस दौरान हमको और आपको सिर्फ ये धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हमारी गड्डी में 35 पत्ते तक इक्का नहीं निकला, तो अब बाकी के जो बचे 17 पत्ते हैं उसमें 4 इक्के हैं, आप पैकअप मत कर दीजिए। तो मैं उसको उसी तरीके से लेता हूँ कि अब बाकी के जो 4 इक्के हैं वो उन 17 पत्तों में गिरेंगे। तो बस उस समय ये ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इक्के को किसी दूसरे की ट्रंप पर चल दें, क्योंकि दुक्की भी अगर ट्रंप की होगी तो आपका इक्का बेकार हो जाएगा। तो बहुत धैर्यपूर्वक, तो आशुतोष के जीवन को आप धैर्य और प्रतीक्षा का परिणाम मान सकते हैं कि जितने भी काम हमारे जीवन में आए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हमने उसको पूरी गंभीरता, पूरी जिम्मेदारी और बड़ी गरिमा के साथ संपन्न किया, उसी का परिणाम है कि इतने लंबे अंतराल के बाद ऐसे कितने एक्टर होते हैं जिनके द्वारा अभिनीत किए गए काम लोगों को वर्षों वर्षों तक उनके चित्त में स्थान बना के रखें। मुझे लगता है कि उन कम अभिनेताओं में आशुतोष हैं कि भले ही दुश्मन और संघर्ष जैसे जो दो किरदार हैं वो आज भी लोगों के चित्त में हैं। तो किरदार चित्त में होने से, कैरेक्टर चित्त में होने से एक्टर अपने आप में बचा रहता है, और उसी के सदपरिणाम है कि लोग, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे दर्शक हों, इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास बहुत किया, हमको प्रेम बहुत दिया, हमें आदर बहुत दिया और हमारी सराहना बहुत की। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास हों तो बीच के एक होता है आराम और एक होता है विश्राम। आराम और विश्राम में अंतर होता है। आराम का मतलब होता है और कि आप किसी चीज़ से छुट्टी पर हैं,
और विश्राम का मतलब होता है कि आने वाले समय के लिए की जाने वाली तैयारी के लिए जो विराम होता है उसे आप विश्राम कहते हैं। तो आशुतोष को आप विश्राम मोड पे मान सकते हैं। अच्छा तो सर एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह के आप जैसे आप हमेशा से कहते हैं, मैं पहले भी आपसे बहुत बार मैं मुखातिब हुआ, मेरी बातचीत रही है, इंटरव्यू किया, बहुत सकारात्मक सोच की विचारधारा लेके चलते हैं, क्या आपको लगता है कि जब मैं अंतराल की बात करता हूँ, जी हुजूरी नहीं करी इसलिए ज़्यादा काम नहीं किया? मुझे मेरा ये कोई अनुभव नहीं है। मेरा ये मानना है कि विभिन्न किस्म के किरदार करते रहने की हमारे मन में इच्छा थी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हम पढ़ रहे थे NSD में, और वहाँ पे एक मन में इच्छा हुई कि दो रास्ते होते हैं कि या तो अपने आप की पुनरावृत्ति करते रहें या विभिन्न विभिन्न किरदारों के माध्यम से अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो हमने दूसरा मार्ग हमें ज़्यादा लुभाता था कि भिन्न भिन्न किस्म के किरदार आपके जीवन में आने चाहिए, तो इससे एक अभिनेता के रूप में आपके सामने जब चुनौतियाँ खड़ी होती हैं तो आपको अपनी सीमाओं का अंदाज़ भी होता है, और कहीं ना कहीं जब सीमाओं का अंदाज़ होता है तो फिर सीमाओं में विस्तार भी होता है। तो जब विभिन्न किस्म के किरदार करते रहने की इच्छा हमारे अंदर थी तो उसके लिए वो विभिन्न किरदार आपको रोज़ नहीं मिलते, उसके लिए आपको धैर्यपूर्वक कहीं ना कहीं उस टेम्पटेशन से मुक्त रहना पड़ता है। और जिस जी हजूरी की बात प्रचारित की जाती है वो जी हजूरी सिर्फ प्रचारित की जाती है, वो जी हजूरी क्योंकि हर व्यक्ति को एक कुशल व्यक्ति की दरकार होती है। आप जिस चैनल के लिए काम करते हैं तो क्या सिर्फ जी हुजूरों की दम पर कर रहे हैं? नहीं, उनको नसीम की कार्यक्षमता के ऊपर विश्वास होगा, उनको नसीम की कुशलता के ऊपर विश्वास होगा, और जो टास्क नसीम को दे रहे होंगे उसे वो पूरा तुम करके ला पे आप करके ला के दे रहे होंगे, इसलिए उस कंपनी के आप प्रिय होंगे। लेकिन सिर्फ जी हजूरी करते रहिए और ये सारी चीज़ें ना करें तो आप कितने दिन सर्वाइव करेंगे? तो ये सिर्फ एक प्रचारित फसाड है जो कोई आशुतोष राणा अपनी असफलता के लिए कह सकता है कि हम पता लगा कि हम अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो हम उस अच्छे से ना कर पाने को हम ये प्रचारित कर दें कि साहब हमने उनकी फला आदमी की जी हजूरी नहीं की, जबकि ऐसा होता नहीं है, होता तो वही है। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से नहीं लेता। मेरा ये मानना है कि एक किसी भी अपने हिस्से में आए हुए काम के प्रति हर व्यक्ति को एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए होता, और मुझे पर्याप्त मात्रा में फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बहुत सम्मान दिया है, अन्यथा ये कैसे संभव है कि इतने कम समय में आपको भिन्न 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 किस्म के लगातार किरदार मिलते चले जाएं? अगर हम पिछले साल और इस साल की शुरुआत को उठाकर देख लें तो अगर धड़क एक अलग मिजाज की फिल्म थी तो मुल्क का एक अलग किस्म का किरदार था संतोष आनंद का, तो सिम्बा का नित्यानंद मोहने बिल्कुल अलग किस्म का किरदार था, और फिर सोन चिड़िया का गुज्जर और मिलन टॉकीज का जनार्दन पंडा, जो मिलन टॉकीज हमारी आज रिलीज हुई है। तो ये अलग अलग किस्म के कहानियाँ, अलग अलग किस्म के डायरेक्टर और अलग अलग किस्म के किरदार, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके जीवन में मिल जाएं तो आशुतोष आपके लिए एक अच्छा उदाहरण है धैर्य और प्रतीक्षा का। सोन चिड़िया को लेकर बड़ी, आपके किरदार को लेकर बड़ी तारीफ करी जा रही है, बाकी सब किरदार को लेकर तारीफ करी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या हाउ डू यू सी दिस, यू नो व्हेन यू गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द सेम, कि जितने वक्त भी आप स्क्रीन पे रहते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जब मैंने पहली बार सोन चिड़िया का किरदार देखा था मैं सीधा संघर्ष पहुंच गया था, जिस तरह का आपका लुक है और जैसे आप उन्हें खाट पे पीछे बांध के ले जा रहे हैं, आई वेंट टू संघर्ष की यार ये वो आशुतोष लग रहे हैं, और जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपके किरदार को लेके, क्या कहना चाहिए आशुतोष सर, कितना हाउ प्राउड यू फील, एक एक इतने और हर कोई यू नो वरुण धवन से लेकर आलिया भट्ट सुशांत सिंह सबके साथ काम कर जी, ये बड़ा आनंददायक पल होता है कि जब आपके प्रयास को कोई एक तो चिन्हित कर ले, एक्नॉलेज कर ले, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, और तीसरा उसे अप्रिशिएट कर दे। तो जो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ होती है कि जैसे जब हम लोग बच्चे होते हैं और हमारे माता पिता अगर हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को जब वो एक्नॉलेज करते थे, एक्सेप्ट करते थे और अप्रिशिएट करते थे, तो जो हमारे अंदर एक आनंद का एक क्षण या आनंद की जो स्थिति पैदा होती थी, तो वो बड़ा वो अवर्णनीय आनंद है। तो वैसी अनुभूति होती है क्योंकि वही चीज़, वही प्रशंसा आपको विस्तार और परिष्कार के लिए प्रेरित भी करती है कि आपको फिर लगता है कि अब और आपको बहुत अच्छे से काम करना। और फिर जो हमारा सौभाग्य है कि चाहे वो वरुण हो, आलिया हो, सोहा हो, जाह्नवी हो, ईशान हो,
या सुशांत सिंह हो, ये सब नई ऊर्जाओं के साथ जब आप इनके संपर्क में रहते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको अपडेट करते रहते हैं, आपकी एज को यानी धार को शार्प करते रहते हैं, तब फिर आपकी एज का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्रसाल अपने आप में हालांकि अभी कुछ आउट नहीं है, लेकिन औरंगजेब का किरदार निभाना आशुतोष सर, मुझे लगता है कि ये एक और सकारात्मक सोच वाले आशुतोष राणा की एक और कोशिश है कि मैं ये भी कर सकता हूँ जी। औरंगजेब का किरदार अपने आप में बहुत, मतलब मुझे लगता है लार्जर देन लाइफ होने वाला है, वो थोड़ा सा जाने जाऊँगा, क्या आपको खास लगा कि हाँ यार मैं ये करूँगा? देखिए अगर देखें आपके विभिन्न किरदारों की, जिस एक्टर को अभिनेता को ललक होती है, तो अगर ये सारे कैरेक्टर देखें तो अगर हम और आप पाएंगे कि इनमें नकारात्मक ऊर्जा का विकट संचार है, लेकिन कोई भी किरदार एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो ये अपने आप में एक एक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि आपने ये कह दिया कि साहब आप तो विलेन कर रहे हैं, लेकिन क्या दुश्मन का विलेन संघर्ष के विलेन से मिलता था, या संघर्ष का विलेन क्या रतन सिंह से मिलता था, या शबनम मौसी का किरदार इन तीन फिल्मों से मिलता था, या आपके हिस्से में आने वाला नित्यानंद मोहले या संतोष आनंद मुल्क का या गुज्जर वीरेंद्र सिंह गुज्जर, क्या ये एक दूसरे से मिलते हैं? तो ये अपने आप में एक अभिनेता के लिए बड़ी चुनौती होती है कि अगर आपको मान लीजिए कि एक नकारात्मक पक्ष है और एक सकारात्मक पक्ष है, और नकारात्मक पक्ष के किसी किरदार को अगर आप पोर्ट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा ही अभिनीत किसी किरदार से उनकी कहीं कोई तुलना ना हो, तो ये अपने आप में एक अभिनेता के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कि ठीक है कि नकारात्मक कैरेक्टर करने वाला एक्टर अगर कोई सकारात्मक कार्य कर देता है, एक कैरेक्टर कर देता है, तो उसमें तो आपको एक विविधता नज़र आएगी, लेकिन नकारात्मक किरदारों में भी आपको विविधता नज़र आए या सकारात्मक किरदारों में भी आपको विविधता नज़र आए, तो वो अपने अभिनेता का जो कौशल है वहाँ पर उसकी परीक्षा होती है, और मुझे लगता है कि उस परीक्षा को देने के लिए परमात्मा अवसर दे रहा है और मैं तैयार हूँ। औरंगजेब को लेके देखिए आप, जब मैं यू नो वीरेंद्र सिंह की बात करता हूँ या मैं मुल्क के उस वकील की बात करता हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट एक विचारधारा बना के चल रहा है कि भाई मुस्लिम सो एंड सो इस तरह से ही होते हैं, औरंगजेब को लेके क्या रेफरेंस होंगे? और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि हर किरदार को दूसरे किरदार से जुदा करने के लिए क्या स्टडी रहती है, क्या होमवर्क रहता है आशुतोष राणा जी का? मैं कभी भी किरदारों के बाहरी आवरण को नहीं पकड़ता। मेरा ये मानना है कि जैसे आप में और मुझ में, हम दोनों ही आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुँह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, जितने भी लोग हम और आप इंसान हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी और मेरी शख्सियत अलग अलग है। तो अलग अलग होने का कारण क्या है? वो अलग अलग होने का कारण होता है हमारी और आपकी विचारधारा, या हमारी और आपकी सोच, या हमारा और आपका चित्त, जिसके कारण हमारी और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग हो जाती है, हमारे और आपके बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है, हमारे और आपके एंगल अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किरदारों के बाहरी आवरण को ना पकड़ूं, उनके चित्त को, उनके मानस को पकड़ लूं। अगर उनकी विचारधारा, उनके सोचने के तरीके और उनके चित्त को हमने पकड़ लिया, तो आप विश्वास कीजिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आचार का प्रतिरूप होते हैं, वो हमारे आचरण में बदल जाते हैं। और जब आप किसी किरदार के चित्त को पकड़ते हैं, तो उस अभिनेता के द्वारा अभिनीत वो कैरेक्टर जब दर्शक देखता है, तो वो दर्शक के चित्त को पकड़ता है। और इसी यही कारण है कि एक इतनी सी आयु में या इतने कम काम करने के बाद भी हमारे हिस्से में वो काम आए जो आज भी दर्शकों को याद है। औरंगजेब का मैं फिर पूछना, औरंगजेब को लेके क्या रेफरेंस होंगे, क्या तैयारी होगी? इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा किरदार है, और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसकी तोड़ का कोई किरदार आप उनको, हम और आप किसी भी दृष्टिकोण से रख सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो औरंगजेब का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मुगल डायनेस्टी की भी हम बात करें, तो उस मुगल डायनेस्टी में दो ही लोग उस शबाब पर पहुंचे हैं, एक अकबर वो अपनी अलग विचारधारा से, और दूसरे औरंगजेब। ना उनके पहले के शासकों के नाम हमको और आपको याद रह पाते हैं इनके ताप के कारण, और ना उनके बाद के शासकों के नाम आपको और हमको याद रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें अगर आपको देखने, और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, क्योंकि राजा छत्रसाल जो कहानी लिखी है और वेब सीरीज़ जो बनाई गई है, अब ये भी हमारे मन में इच्छा थी कि हम वेब सीरीज़ करना चाहते थे लेकिन हिस्टोरिकल करना चाहते थे,
तो अगर आप इच्छा करते हैं तो वो इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी होने के लिए कायनात आपसे ये कहती है कि प्रतीक्षा कीजिए, उसको अपने हिसाब से देने दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं सशक्त उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि इच्छा करो, मन से करो, मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी। तो इसलिए अवसादग्रस्त नहीं होता, प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करता हूँ। और आपको औरंगजेब का जो किरदार है वो, उसमें आपको वो तमाम चीज़ें देखने मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इधर पे राजा छत्रसाल हैं जिन्होंने अपना जीवन, सिर्फ 5 घुड़सवार थे उनके पास और 25 पैदल सैनिक थे। एक ऐसा व्यक्ति एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ अपनी सिंह गर्जना करता है जो ऑलरेडी पूरे भारतवर्ष के सिंहासन पर अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुका है। तो एक ऐसी असमानता के धरातल पर लड़ा जाने वाला एक ऐसा पुरुषार्थी युद्ध है, तो वो अपने आप में बड़ी विलक्षण कथा है और विलक्षण गाथा है। और उस विलक्षण कथा और गाथा में एक ऐसा अभूतपूर्व किरदार करने का अवसर हमारे हिस्से में आया है, और लिखा भी बहुत अच्छा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आनंद देगा। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा है और भी लोग वेट बैठे हुए हैं, आपको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है जब मैं किसी भी लिहाज से बात करूँ, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, क्या आप मानते हैं, हो सकता है मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ अलग तरीके से, ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है प्रोफेशनल के प्रोफेशन के लिहाज से या हर लिहाज से, जिस तरह का सिनेमा आप कर रहे हैं, जिस तरह के किरदार आप निभा रहे हैं, डू थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फेस ऑफ योर लाइफ आशुतोष सर? देखिए, भैया ईश्वर बहुत मेहरबान है, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर हमेशा से मेहरबान रहा है। नहीं तो गाडरवारा एक बहुत छोटा सा कस्बा है, गाडरवारा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आशुतोष राणा है, वो मुंबई जो हमारे देश का सबसे बड़ा महानगर है और एक ऐसे कला जगत में जहाँ पे हमारे परिवार की कहीं कोई परंपरा नहीं रही है, उस परंपरा में अगर आशुतोष यहाँ पर अपना एक कोई भी छोटा सा स्थान हो, लेकिन वो स्थान हमारा अपना है, उस स्थान पर कहीं कोई दूसरा नहीं है। अगर ये ईश्वर की मेहरबानी ना होती, ऊपर वाले का करम ना होता, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पुरुषार्थी, क्योंकि हमसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग आज की तारीख में संसार में मौजूद हैं, लेकिन अपने स्थान के लिए संघर्षरत हैं। तो ये कृपा का ही परिणाम है, तो कि ईश्वर मेहरबान है। हाँ, एक परिवर्तन जो हुआ है कि दुश्मन, संघर्ष, शबनमौसी, डेंजर जैसी फिल्में हम किया करते थे, या जिन फिल्मों के माध्यम से चोट, या जिन फिल्मों के माध्यम से मुझे लोगों का मान मिला, सम्मान मिला, सराहना मिली, वो उस समय धारा के विपरीत होती थी, वो मुख्य धारा की फिल्में नहीं थी। आज ये दौर आ गया है कि वो जो धारा के विपरीत फिल्में हुआ करती थी वो आज की तारीख में मुख्य धारा की फिल्में हो गई हैं। तो निश्चित रूप से हम जैसे अभिनेताओं के लिए तो स्वर्णिम युग है। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बिल्कुल याद है।